हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। और जो है इस आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रेशर मेजरमेंट हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जो है हमने अभी तक पीजोमीटर के बारे में पढ़ चुका है और दूसरा हमने पढ़ा है यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में। तो पीजोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोमैनोमीटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? माइक्रोमैनोमीटर के बारे में। देखिए, माइक्रोमैनोमीटर का सही मतलब क्या है, देखिए तो आज का हेडिंग है थर्ड नंबर का। देखिए, हम लोग सिंपल मैनोमीटर में आज जो है तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं माइक्रोमैनोमीटर। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखा करिए, जब भी आपसे बोले कि माइक्रोमैनोमीटर की बात की गया है तो माइक्रो मतलब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर माइक्रोमैनोमीटर की बात करें तो माइक्रोमिस होता है बहुत ही कम। माइक्रोमिस क्या होता है? बहुत ही कम। यानी जो है हम लोग ऐसे जगह आज प्रेशर मेजरमेंट करने वाले हैं जहाँ पे बहुत ही कम, ठीक है ना, बहुत ही कम जो है प्रेशर वर्क कर रहा है किसी पाइप में। तो हम लोग करेंगे क्या आज, हम लोग देखिए सबसे पहले मैं पढ़ने वाला हूँ आज माइक्रोमैनोमीटर। और माइक्रोमैनोमीटर में एक चीज़ हमने और बताया था आप लोगों को कि आपके सिलेबस में जो है सिर्फ सिंगल कॉलम का माइक्रोमैनोमीटर है। किस कॉलम का है? सिंगल कॉलम का। तो आप हमेशा याद रखिएगा, माइक्रोमैनोमीटर हम लोग पढ़ेंगे कौन से कंडीशन के लिए? सिंगल कॉलम के लिए। सबसे पहले माइक्रोमैनोमीटर का यूज क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज यूज फॉर प्रेशर हेड। मैंने बताया था कि एच के टर्म में ये सब प्रेशर बताते हैं, तो इट इज यूज फॉर प्रेशर हेड मेजरमेंट। मतलब ये क्या है, ये प्रेशर हेड को मेजर करने में प्रयोग किया जाता है। यानी यहां लिख सकते हैं, यह दाब की ऊंचाई, दाब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, अगर दोनों लैंग्वेज हम लोग पढ़ाएंगे बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं मिक्स लैंग्वेज में आप लोग पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का नीचे कमेंट आ रहा है कि हिंदी में पढ़ाइए सर, इंग्लिश में पढ़ाइए सर। देखिए, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी समझ में आए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी समझ में। हमको पढ़ाने में कोई समस्या नहीं, मैं इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ और हिंदी में भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बच्चों की समझ के ऊपर है। तो देखिए, इस तरह हमको टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए, अब हम लोग मिक्स लैंग्वेज का यहाँ प्रयोग करेंगे। दूसरा, माइक्रोमैनोमीटर यूज कहाँ करेंगे, तो आप लिखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले यह जो है दाब की ऊंचाई यानी प्रेशर हेड ज्ञात करने करते हैं। नीचे लिखिए कहाँ यूज करेंगे, जब दाब यानी प्रेशर बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो तो उसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर जो है बहुत ही कम जो है प्रेशर अगर है किसी भी पाइप में, तो उसको नापने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। चलिए ठीक है, देखिए अब इसका हम लोग फिगर देखते हैं। यानी आप एक शब्द और बोल सकते हैं इसमें, अगर जो इंग्लिश में लिखना है, इट इज़ यूज फॉर लो हेड प्रेशर। यानी लो हेड प्रेशर के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें क्या हो, प्रेशर जो है बहुत लो हेड का मिल रहा हो, ठीक है ना, उसमें हम लोग यूज करते हैं। आइए, इसका कंसेप्ट क्या रहेगा, देखिए अगर हेड बहुत कम मिल रहा है, मान लीजिए हेड 1 mm मिला, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि 1 mm कितना हुआ, ठीक है ना। तो हम ये सोचेंगे कि इस हेड को हम लोग बढ़ाएँ, और हेड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक वॉल्यूम बॉक्स को यहाँ पर लगा देंगे इसी कॉलम में। अब देखिए, मैं अभी फिगर बना रहा हूँ, और हम करेंगे क्या कि जो हेड 1 mm आ रहा था उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा अभी 100 में,
या 200 mm में या यहाँ तक कि 1 meter में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग कैसे देखेंगे इसको। तो मैं माइक्रो मैनोमीटर का जो है फिगर बनाने में, आपको देखिए आपको जो है 3 points जो लिखवाया गया है ये एग्जाम में लिख देना है, और ये जो फिगर बना रहे हैं ये तो ज़रूर ही बनाना है, तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले देखिए एक पाइप रहेगा, ये पाइप है, इसी पाइप में प्रेशर हमको निकालना है कि लिक्विड का कितना प्रेशर होगा। यहाँ से जो है एक जो है हम लोग मैनोमीटर यूज कर रहे हैं, कौन सा मैनोमीटर, माइक्रो मैनोमीटर। देखिए माइक्रो मैनोमीटर में होगा क्या कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स का अरेंजमेंट करेंगे। और देखिए इस बॉक्स का क्या है, इस बॉक्स का देखेंगे आप लोग तो आयतन क्या है इसका, ज़्यादा है। ये बॉक्स हकीकत में है कैसे, ऐसे जो यहाँ पर लगा है, देख लीजिए मैं यहाँ पर 3D फिगर बना दे रहा हूँ। देखिए ऐसे बॉक्स है, ठीक है ना, और ये बॉक्स ऐसे है और इसी में क्या हुआ है, ये ऊपर से आ रहा है ये मैनोमीटर का पाइप, और इधर नीचे से हम लोग क्या किए हैं इसको निकाल दिए हैं। मान लीजिए ये जो बॉक्स यहाँ लगा है, ठीक है ना, इसका एरिया ए है, कितना एरिया मान लिए ए, और ये जो मैनोमीटर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, इसका जो एरिया है स्मॉल ए है, इसका एरिया कितना है स्मॉल ए। चलिए ठीक, अब जो है यहाँ देखिए, चूंकि हम लोग इस समय पढ़ क्या रहे हैं सिंपल मैनोमीटर, और सिंपल मैनोमीटर आपको साफ बताया गया है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे प्रेशर मेजर करता है, ठीक है। ये ठीक है, अब हम लोग करते क्या हैं कि जब इस व्यवस्था को देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग एक यहाँ पे और व्यवस्था करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इनिशियल कंडीशन में, यानी जब इसमें नहीं लगाया गया था, क्या पाइप में जो है ये मैनोमीटर नहीं लगाया गया था, देखिए इतना ही पार्ट मैनोमीटर का है ये जब नहीं लगाया गया था तो उस स्थिति में जो है यहाँ पे जो मैनोमीटर लिक्विड भरा गया था वो यहाँ पे था, ठीक है, कहाँ पे था, यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस रहा होगा तब, ध्यान देते चलिएगा, यहाँ पर था। लेकिन जैसे यहाँ पे लगाया गया तो इस पाइप में एक प्रेशर है P, इस पाइप में प्रेशर क्या है P, तो इस P प्रेशर के कारण, ठीक है ना, जो SM स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसका, मैनोमेट्रिक लिक्विड का, मैं पीछे बताया था कि SM क्या होता है, मैनोमीटर के लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, और यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ S1, ये किस में है, पाइप में जो लिक्विड भरा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो SM जो है अगर यहाँ से देखा जाए तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि SM जो है जो यहाँ पे लेवल दिखा रहा है, जैसे इसमें सेट किया जाएगा ये कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा इस पर, और यहाँ देखिए यहाँ सब क्या होगा, यहाँ सब जो लिक्विड पाइप में भरा होगा वो सारे लिक्विड यहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ जाने के बाद इस पर क्या करेगा, इस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देगा। तो जब इस पर प्रेशर लगाएगा तो मैं देखिए अलग प्रकार से मार्कर से बना रहा हूँ, तो इसका आयतन यहाँ पे थोड़ा नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब जब प्रेशर लगाएगा तो तल कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया नीचे। अब मान लीजिए कि यहाँ से जो है ये dy नीचे चला गया, कितना नीचे चला गया dy, तो अगर ये dy यहाँ से नीचे जा रहा होगा, मान लीजिए ये लेवल था पहले, और यहाँ से देखिए ये dy नीचे चला गया, तो इतना लिक्विड का आयतन चेंज हुआ, ये तो पूरा लिक्विड का आयतन नीचे गया, पूरा गया कि नहीं गया, तो dy, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेवल जो है ध्यान दीजिएगा ये dy ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखा जाएगा तो इसके तुलना में, देखिए यहाँ पे इसके तुलना में जो है यहाँ पे लिक्विड यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक। रीज़न क्या है,
रीजन ये है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिक्विड का कितना आयतन उधर गया है, तो आप कहेंगे कि सर अगर इसका कवरिंग एरिया ए है तो लिक्विड देखा जाए यहाँ से गया है ए इंटू डी वाई, कितना गया है ए इंटू डी वाई, और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया ए है और ये ऊंचाई मान लीजिए एच है, तो यहाँ से देखेंगे तो लिक्विड कितना ऊपर गया है, तो अब आप कहेंगे कि ए इंटू एच, यानी यहाँ पर देखा जाए तब आप कहेंगे हम जानते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो देखिए तो लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो अगर यहाँ देखेंगे तब क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर इसका एरिया तो ए है, तो यानी जो है ए इंटू डी वाई, इतना लिक्विड कहाँ चला गया नीचे, उसका आयतन हो गया ए इंटू डी वाई इज इक्वल टू जितना ये नीचे गया है ये लिक्विड, ये यही तो है, जितना ये लिक्विड नीचे गया है उतना ही ये कहाँ चला गया ऊपर, तो ये हो जाएगा एच इंटू ए, ठीक है ना। तो ये जो है आपको एक इक्वेशन मिला जो कि दोनों का आयतन सेम होगा, क्योंकि जितना लिक्विड यहाँ से नीचे आएगा आयतन उतना ही आयतन ये ऊपर भागेगा। तो आप कह रहे होंगे सर क्यों ज़्यादा हाइट बढ़ रहा है, क्योंकि इसका कवरिंग एरिया ए है स्मॉल ए और ये कैपिटल ए है, और यहाँ साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा कैपिटल ए इज़ ग्रेटर देन स्मॉल ए, तो क्या करेगा ये अपने आयतन को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा ऊँचाई पर जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से अगर ध्यान से देखें आप, तो आप कहेंगे कि सर ये तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग निकालेंगे कैसे रीडिंग। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ से स्टार्ट करिए, अब ये कुछ दूरी आप मानिए, हमने कहा था पाइप के सेंटर से आप दूरी लेंगे, तो पाइप के सेंटर से मैंने दूरी लिया कितना, इसको मान लीजिए आप वाई, वाई जो है मैं यहाँ तक मान रहा हूँ, ठीक है, वाई कहाँ तक माना गया, यहाँ तक। चलिए अब जो है इस रीडिंग को मैं डॉटेड लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ, जब आगे बढ़ाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा डी वाई, होगा कि नहीं होगा, दोनों पैरलर है और डी वाई से ऊपर से हमने एच माना था ना, तो यानी अब देखिए मैं यहाँ से चल रहा हूँ प्रेशर हेड निकालने, तो क्या हो जाएगा पी अपान रो जी, क्योंकि हम लोग हेड में रीडिंग निकाल रहे हैं, तो पी अपान रो जी, मैंने बताया था प्रेशर हेड इजकल टू क्या होता है, प्रेशर अपान वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी इजकल टू क्या होगा रो जी, पी अपान रो जी। मैंने क्या बोला था कि एक रेफरेंस लाइन लीजिए, मैं यहाँ पर जो है एक रेफरेंस लाइन ले ले रहा हूँ, मान लीजिए इस वाले से दूरी इसकी कितनी है z है, रेफरेंस लाइन की दूरी कितना मान लिया गया z, तो ये भी कितना दूरी होगा z, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए बढ़ते हैं हम लोग। तो P अपान रो जी, मैंने कहा था कि जब रेफरेंस लाइन की तरफ आप चलेंगे तो रीडिंग क्या लेंगे पॉजिटिव, और एक चीज़ मैंने और बताया था कि आप बस याद रखिए कि H और S ही लेना है, यानी हाइट और स्पेसिफिक ग्रेविटी लेना है। देखिए ये आता क्यों है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, खैर नहीं तो मैं पूरा डिटेल आपको बताता, खैर अगर मैं पूरा एफएम डिटेल पढ़ाने लगूंगा तो 150 के आसपास वीडियो हो जाएंगे, हमको आपको सिलेबस किसी तरह 40 के आसपास वीडियो में ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो हम देखिए यहाँ पे पी अपान रोजी के बारे में बात करें, तो पी अपान रोजी अब प्लस, हम लोग अब नीचे बढ़ेंगे, देखिए नीचे आ रहा है ना रेफरेंस लाइन की तरफ, कितना हाइट नीचे गए, तो प्लस कहेंगे वाई इंटू, और यहाँ क्या भरा है, इस पाइप का ही लिक्विड भरा है यहाँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस पाइप का लिक्विड देखिए अब कहाँ तक भरा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ तक भरा है, नहीं वो गलत बता रहे हैं, ये लिक्विड हकीकत में पाइप का देखिए जब ऊपर से प्रेशर लग रहा है तो यहाँ से जो है ये लिक्विड हट गया है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से लिक्विड क्या हो गया हट गया है और ये नीचे चला गया है, तो यानी अगर देखा जाए तो y इंटू क्या लिखेंगे आप, पहले लिख लीजिए s1 प्लस, अब मैं बात करूँ dy, इस ये बताइए इस dy वाले भाग पे क्या इस समय पारा है, नहीं है, क्योंकि जब प्रेशर लगा है पाइप के कारण तो पारा कहाँ चला गया, dy नीचे चला गया है, तब आप कहेंगे dy इंटू किसके बराबर होगा, ये पाइप वाला लिक्विड, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग चले गए हैं, अब यहाँ से देखिए नीचे कितना आएंगे z इंटू, यहाँ पे कौन सा लिक्विड भरा है sm, अब मैं यहाँ पर चलूँगा इस समय ऊपर चल रहा हूँ, तो अब क्या बोलेंगे माइनस z इंटू sm, यहाँ पे आ गए, क्योंकि जब ऊपर जाएंगे तो क्या लेंगे हम लोग निगेटिव, रेफरेंस लाइन से ऊपर जा रहे हैं, अब देखिए ये क्या है dy, लेकिन ये किससे भरा है, ये देखिए जब यहाँ बराबर था तो उस समय ये पारा ही से तो भरा है, ठीक है ना, और ये पूरा भाग पारा का ही तो ऊपर गया है,
पूरा भाग पारा के ऊपर गया है कि नहीं गया है, तब आप कहेंगे कि यहाँ लिख सकते हैं माइनस, ठीक है ना, डी वाई प्लस, ये देखिए डी वाई ये भी पारा है और ऊपर भी पूरा पारा ही गया है, प्लस एच। हमने क्या किया, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई जोड़ दिया और इनटू क्या कर दिया, एस एम, क्योंकि यहाँ तक लिक्विड भरा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, यानी किस कंडीशन में है, बैलेंस कॉलम के कंडीशन में है, तो इसका टू क्या कर देंगे, जीरो। तो यहाँ पे जीरो हो गया। अब आप देखिए क्या क्या यहाँ से रीडिंग कट जा रहा है, ये देखिए इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका रीडिंग क्या आएगा। तो अब आप कहेंगे पी अपान रो जी इज इक्वल टू, देखिए ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस डी वाई प्लस एच एस एम, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई एस वन, और ये हो जाएगा माइनस वाई एस वन। तो ये जो है आपको यहाँ से रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रेशर निकाल सकते हैं। फिर से मैं बता दूँ ये रो क्या है, ये रो हमेशा याद रखिएगा पाइप में जो लिक्विड है उसका मास डेंसिटी, और जब इस तरह मान लीजिए मैं सॉल्व करूंगा ऐसे ही, तो कितना आएगा मीटर, कितना आएगा मीटर में, क्योंकि ये हेड है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे डी वाई जो है हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब आप लोग को न्यूमेरिकल देगा ना तो इस ए का मान दिया रहेगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डी वाई देखिए क्या निकाल सकते हैं, मैनोमीटर का भी डायमीटर दिया रहता है, तो डी वाई निकालना होगा, तो एच इंटू ए अपान क्या कर लेंगे ए। तो यहाँ से जो है हम लोग डी वाई का मान निकाल के इसमें रीडिंग में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उस समय आप देखिएगा कि हम आसानी से इसमें वैल्यू रख के रीडिंग निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये जो है कम्प्लीट हो गया माइक्रो मैनोमीटर। माइक्रो मैनोमीटर का मतलब एक ही कंसेप्ट था कि अगर बहुत ही कम प्रेशर है किसी पाइप पर तो वहाँ से निकालने का ये मेथड था, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है इसी में फोर्थ नंबर, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है सिंपल मैनोमीटर कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए तो फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं। ये नोट्स बनाइए आप सभी लोग, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा आपके लिए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे आप लोग तो बाद में अगर मान लीजिए एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो रिवीजन करने के लिए आप कुछ ना कुछ आपके पास रहना चाहिए। अगर नहीं रिवीजन करेंगे तो कितना ही पढ़ें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के 10 दिन से पहले से जो है सभी सब्जेक्ट जो हैं रिवाइज कर लेने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर ये है इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर। इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर क्या नाम है, इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर। तो इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर जो है ये ज़्यादा जो है सेंसिटिव होता है वर्टिकल वाले कॉलम की तुलना में। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब क्या होता है, कोई एंगल बनाएगा। इंक्लाइंड ट्यूब इज मोर सेंसिटिव, इंक्लाइंड ट्यूब इज मोर सेंसिटिव, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट इंक्लाइंड ट्यूब में जो लिक्विड ऊपर चढ़ता है उसका उसका वर्टिकल वर्टिकल हाइट को
कंसीडर करेंगे। कौन से हाइट को कंसीडर करेंगे? वर्टिकल हाइट को। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? लिख लीजिए, इंक्लाइंड ट्यूब का क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल से एंगल, इंक्लाइंड ट्यूब का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा 4 डिग्री से कम हो तो, 4 डिग्री से कम हो तो वही रीडिंग मान लें। अगर मान लीजिए इंक्लाइंड जो है 4 डिग्री से कम है तो हम क्या करेंगे, हम अब वर्टिकल जो है रीडिंग नहीं निकालेंगे बल्कि क्या करेंगे, वही मान लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है आपको जितना कंसेप्ट बनाने वाला हूँ, यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, थीटा जो है इज ग्रेटर देन 4 डिग्री, यानी 4 डिग्री से ज़्यादा जो है इंक्लिनेशन है। यानी देखिए ये इंक्लाइन ट्यूब है ऐसे, और ये जो एंगल है थीटा इज ग्रेटर देन है किससे, 4 डिग्री से। यानी 4 डिग्री से बड़े वाले एंगल के लिए हम लोग मैनोमीटर इस समय पढ़ने जा रहे हैं इंक्लाइंड का। तो इतने पॉइंट्स आप लोग इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर में लिख लेंगे। अगर एग्जाम में वन लाइनर करके लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा, जैसे मैंने लिखा। कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में और इतिहास जैसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो उनका नंबर बहुत कम आता है। एक चीज़ मैं जब भी मतलब मैं पढ़ाया हूँ, जितने बच्चे पढ़े हैं मेरे पास ऑफलाइन बेसिस में, सभी बच्चे जो है लगभग 45 से ऊपर ही रहते हैं। रीज़न क्या है कि आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी के अनुसार लिखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि व्यवहारिक ज्ञान यहाँ पे ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि समझ आपकी ज़्यादा विकसित होगी। दूसरी चीज़, आपके जो एग्ज़ाम की कॉपी जांच होती है उसमें ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो सब बीटेक वाले ही होते हैं जो कॉपी जांच करते हैं आप लोगों की। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का ये रहता है मेन कि जो बीटेक वाले जैसे सोचते हैं उसके अनुसार हम लोग भी आपको कंटेंट दें, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके आएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अब जो है इसमें जो है हम लोग क्या देखेंगे, इसमें अब जो है आप कहेंगे सर अब इसमें प्रेशर निकालते हैं हम लोग। चलिए तो प्रेशर निकालना है, तो देखिए ये हो गया क्या, ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप हो गया, ठीक है। अब जो है इस बार क्या है, इस बार इस पाइप में मैनोमीटर जो लगा है वो ऐसे लगा है, ठीक है, कैसे लगा है ऐसे। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ऐसे क्या मतलब रीडिंग हमको मिल सकता है, तो आपके पास दूसरा भी उपाय है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा और वो कर दूँ, ठीक है। ठीक है, ये जो है ऐसे हम लोग मैनोमीटर लगाते हैं, लेकिन देखिए जब ऐसे लगाया जाता है ना तो यहाँ पे एनर्जी का लॉसेस ज़्यादा होता है। आगे हम पढ़ाएंगे एनर्जी का लॉसेस कैसे होता है बेंट पे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई पाइप या कोई मैनोमीटर बेंट हो जाता है तो वहाँ पे एनर्जी के लॉसेस ज़्यादा मिलते हैं, तो उसको हम लोग हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह अरेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसको सुधारने जा रहा हूँ, अब देखिए मैं क्यों इसको ऐसे करने जा रहा हूँ, इसका मतलब समझ गए। मैं फिर से क्या करूँगा, यहाँ पर जो है अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे एनर्जी का लॉसेस नहीं होगा क्योंकि अचानक पाइप बेंड नहीं है। अब देखिए इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या है, प्रेशर पी है पाइप में, इसमें लिक्विड क्या भरा है S1। अब जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मैनोमीटर की लिक्विड भरा गया होगा, ठीक है ना, ये भरा हो गया होगा मान लीजिए ये, ठीक है ना। अब ये लिक्विड यहाँ पे भरा है, हम क्या करेंगे,
अब जो है हम लोग जैसे इस पे प्रेशर पड़ेगा, इसका तल कहाँ चला जाएगा, इसका लेवल थोड़ा नीचे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जब यहाँ पे लेवल आ जाएगा तो ये भाग क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भर जाएगा, यहाँ पे जो है ऊपर से ही जितने पाइप में लिक्विड है वो सब यहाँ पे आके भर जाएंगे, ठीक है, ये पूरा भर जाएगा। अब जो है ये जो है कितना नीचे चला गया, तब आप कहेंगे कि ये डी वाई नीचे चला गया, जब प्रेशर आया है पाइप का, पाइप में लिक्विड का। तो ये क्या हुआ होगा, ये लेवल जो है ध्यान दीजिएगा, जब इसको बैलेंस किया गया होगा तो यहाँ तक क्या भरा था पहले से, ये सब तो पारा ही भरा था, मान लीजिए मैनोमेट्रिक लिक्विड क्या है, ऐसे कुछ भी हो सकता है जब एग्ज़ाम जो दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में। अब जो है यहाँ से क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा आयतन, फिर से कितना आयतन, तो अब आप कहेंगे डी वाई इंटू ए इजकल टू स्मॉल ए, फिर से इसका एरिया कितना हो गया स्मॉल ए इंटू कितना, जितना लेंथ पे जा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है स्थिति, देखिए ये था पहले का, यही ना था, इसी के लेवल पे भरा था ये पूरा। अब जो है यहाँ से जो है ये आगे की तरफ जा रहा है, तो मान लीजिए ये यल दूरी यहाँ तक गया और यहाँ तक लिक्विड भर दिया, जब यहाँ तक लिक्विड भर दिया तब आप कहेंगे इंटू यल, क्योंकि देखा जाए तो ये यहाँ जो है ये कैसा दिखा रहा है, सिलेंड्रिकल दिखा रहा है, तो एरिया इंटू लेंथ, तो यानी यहाँ से आपको डी वाई पहले मिल जाएगा क्या, ए इंटू एल अपान कैपिटल ए। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, डी वाई रीडिंग निकाल लेंगे। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और चेक करते हैं कि कितना प्रेशर होगा। देखिए यहाँ पर प्रेशर कितना है, पी अपान रोजी हेड में कन्वर्ट हो गया, प्लस ये दूरी जो मान लीजिए मैंने बार बार कहा था सेंटर से लेना है आपको दूरी, ये मान लीजिए एच है, या वाई मान लीजिए, मैं वाई मान ले रहा हूँ, ये दूरी मान लीजिए वाई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, और ये जो इंक्लिनेशन है, ये जो थीटा जो है एंगल पे क्या है झुका हुआ है, ये मैनोमीटर कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो अब क्या हो गया, पी अपान रोजी यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद कितना नीचे आए, प्लस डी वाई इंटू, लेकिन यहाँ का भाग क्या है इस समय, खाली है, देख लीजिए यहाँ का भाग क्या है इस समय, खाली है। तो खाली है तो क्या भरा होगा, तब आप कहेंगे जो लिक्विड है उसमें वो भरा होगा, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, S1, यहाँ तक पहुँच गए। हमने क्या बोला था कि एक जो है कोई रेफरेंस लाइन मान लीजिए, मान लीजिए रेफरेंस लाइन यहाँ से कितने दूरी पे है, जेड, तो आप क्या कहेंगे, प्लस जेड इंटू, अब जो देखिए जो नीचे वाला लिक्विड रहता है ना वही हम लोग पूरा स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लेते हैं उसके लिए, तो जेड तक कितना हो जाएगा SM, भले यहाँ है नहीं लेकिन मैं रेफरेंस लाइन जब मानूंगा ना तो जो नीचे लेयर में सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा उसको पूरा मान लीजिएगा आप लोग। फिर से यहाँ देखिए, यहाँ से हमको कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, यहाँ तक, तब तो जेड के पास पहुँचेंगे, तो यानी अब ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड इंटू SM, यहाँ तक क्या हो गया, माइनस जेड इंटू SM, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे कि फिर से सर ऊपर हम लोग जा रहे हैं तो क्या हुआ, ऊपर जब हम लोग जा रहे हैं तो फिर से जो है मैनोमीटर वाला लिक्विड मिला, तो माइनस हो जाएगा डी वाई इंटू, देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल दूरी कितना चले, डी वाई इंटू SM, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक अगर लिक्विड हम लोग देखें तो ये क्या है, ये तो इंक्लाइंड है, तो जब इंक्लाइंड है तो क्या करना पड़ेगा आपको, अब आप कहेंगे कि सर इसका वर्टिकल डिस्टेंस बताइए कितना होगा, आइए मैं इसका वर्टिकल डिस्टेंस निकालता हूँ, ये लेयर है ना, तो जब इसका वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग निकालने जाएंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि सर ये थीटा है, ठीक है ना, तो जब ये थीटा है तो ये भी लाइन क्या होगा, ये भी थीटा बनाएगा, और जब ये थीटा बनाएगा तो एकांतर कोण से ये भी थीटा बनाएगा, और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा ये है, तो अगर मान लीजिए इसकी ऊँचाई एच है तो एच का मान कितना निकलेगा, तब आप कहेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब, यानी एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, बट्टा आधार, सॉरी कर्ण, ये हो जाएगा L, तो H बराबर कितना आ जाएगा, L साइन थीटा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई इंटू SM माइनस एच इंटू, यही तो हाइट होगा, H इंटू, अब ये कौन सा लिक्विड भरा है, SM, इसकल टू क्या होगा, जीरो। तो अगर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P अपान रोजी, ठीक है ना, ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस डी वाई इंटू S1, डी वाई का वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा डी वाई SM, और ये हो जाएगा प्लस H, H का मान कितना आया वहाँ देख लीजिए, L साइन थीटा इंटू SM,
यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग जो है प्रेशर हेड निकाल सकते हैं मीटर। और फिर से मैं यहाँ पे एक बार आपको कंफर्म करा दूँ, यहाँ पे जो रोजी का वैल्यू है वो हमेशा किसका वैल्यू रहेगा, तो रोज है हमेशा जो पाइप में लिक्विड बह रहा है उसकी डेंसिटी है, पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है, ना कि इसकी डेंसिटी है। क्लियर है? तो ये जो है हम लोग इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर के बारे में देखें। अब जो है इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर, जब आपका जो सिंपल मैनोमीटर है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सिंपल मैनोमीटर के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि जो है अब जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।